वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश जिसको कहते हैं कोचू बाटा। इसके लिए कुछ साधन हमको ज़रूरत है, वो है कुचई जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। इसका मैंने एक टुकड़ा काट लिया है, ये सैगो अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको मार्केट में मिलेगा। इसी का मैंने छोटा एक टुकड़ा ले लिया है। इसके साथ आपको चाहिए हरी मिर्ची, उसके साथ आपको ज़रूरत है कुछ नारियल के टुकड़े, जिसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में मैंने निकाल लिया है, करीब एक आधा नारियल इसको इसमें लेना है आपको। ये नमक और कुछ राई के दाने, सरसों के दाने, और इसके साथ साथ आपको चाहिए सरसों तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाकू से इसका पीछे का जो हिस्सा है इसको इस तरह से निकाल दें, पूरा निकाल लेंगे। ये लाल हिस्सा है, पूरा निकाल लेंगे। ऐसे ही मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है। इसको ग्रेटर में आप पीस लें। पीसने के बाद पूरा कीस लेंगे और उसके बाद ये जो कीसा हुआ सामग्री है ये इसको आप अच्छे से दबा के इसका जो पानी है इसको निकाल लें। इसको कीसने का कारण यही है कि इसका जो ये पानी है ना ये हमको निकाल देना है। इसके बाद इसको हम लोग मिक्सी में फिर वापस पीसेंगे। अब बिना इसको कीसे पीसिएगा मत, वरना कुचाई है तो गले में थोड़ा खुजली होता है ये पानी की वजह से। देखिए कुचाई को हम लोगों ने पानी पूरा निथार के रख लिया है ना। अब इसको हम लोग पीसेंगे सब। चलिए पीसना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार ले लें, उसमें कुचाई डाल लें, नारियल के जो टुकड़े आपने करके रखे हुए हैं उस सबको डाल देंगे। कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे, जितना आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से, लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है, तो मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालें। और जो सरसों और नमक रखे हुए थे वो डाल देंगे, करीब 1.5 टीस्पून सरसों है। अब इसको हम लोग पीस लेंगे। महीन पीस के आप इसको निकाल लें, बिल्कुल बारीक पीस लें। आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी में आपको पीसना है पूरा इस चीज़ को। और फिर जब ये पिसा जाए इसके अंदर आप जो सरसों का तेल रखा हुआ था उस सरसों तेल को डाल के मिला लें। अच्छे से इसको मिला लेंगे। और इसको परोसे गर्मा गर्म चावल के साथ। तैयार है आपका कोचू बाटा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सब बंगाली ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। लीजिए बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।